नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से धर्म कर्म की बातों में स्वागत करती हूं। आज की धार्मिक वीडियो होने वाली है श्री कृष्ण जी के ऊपर। जी हां, जयपुर में स्थित है एक ऐसा कृष्ण जी का मंदिर, जिस मंदिर में कृष्ण जी के प्राण जो है वो मूर्ति में चलते हैं और जिसका प्रमाण है एक घड़ी। थोड़ा सा अजीब है मगर ये सच है। क्या है इसकी कथा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, भारत में वैसे तो अनेकों मंदिर हैं और हर मंदिर में सिमटा हुआ है एक बहुत बड़ा रहस्य, और ऐसा ही एक मंदिर है श्री कृष्ण का, जिसका रहस्य आज तक अनसुलझा है। आज तक कोई नहीं जान पाया है उस रहस्य के बारे में। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में श्री कृष्ण साक्षात विराजमान रहते हैं। आपको बताते चलिए कि इस मंदिर में मौजूद श्री कृष्ण की मूर्ति में प्राण है। ये मूर्ति सांस लेती है, यानी कि श्री कृष्ण की यह प्रतिमा जीवित रूप में आज भी स्थित है। आपको बताते चलिए कि जब मंदिर के बारे में पूछताछ की गई, तब वहाँ के लोगों से, वहाँ के पंडित से, सभी लोगों से कई सारी हैरान कर देने वाली बातों का पता चला। ऐसे में क्या कुछ जानकारी मंदिर से जुड़ी पता चली, वो हम आज आपको बताएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये पता चली कि कृष्ण जी की जो मूर्ति है, जो स्थापित है मंदिर में, वो पूरे तरीके से जीवित रूप में है, और ये बहुत ही दिव्य कथा भी है जो कि जयपुर के गोपीनाथ मंदिर से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वो जयपुर में गोपीनाथ जी मंदिर के नाम से स्थित है। इस मंदिर में श्री कृष्ण का जीवित रूप, जीवित प्रतिमा जो है वो स्थापित है, जिसका प्रमाण देती है उनके हाथ में बंधी घड़ी। जी हाँ, इस मंदिर में श्री कृष्ण जी पहनते हैं घड़ी। श्री कृष्ण के उल्टे हाथ में घड़ी बंधी हुई है। कलाई पर मौजूद ये घड़ी श्री कृष्ण की मूर्ति में प्राण होने का जीता जागता सबूत माना जा रहा है। मान्यता ऐसी है कि गोपीनाथ जी श्री कृष्ण की मूर्ति स्वयं प्रागट्य प्रतिमा है। यह मूर्ति खुद प्रकट हुई थी, इसे किसी शिल्पकार ने बनाया नहीं है। यहाँ तक कि ये भी ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण की मूर्ति में प्राण है, इसलिए गोपीनाथ जी मंदिर को लेकर बहुत ज्यादा आस्था भी मानी जाती है। माना ऐसा जाता है कि श्री कृष्ण के हाथों में घड़ी पहले नहीं हुआ करती थी। यहाँ पर एक अंग्रेज आया था, जिस अंग्रेज ने मूर्ति में प्राण है या नहीं ये देखने के लिए उन्हें घड़ी पहनाई थी। और जब एक बार अंग्रेज भारत आया था, जिसने इस मंदिर के बारे में सुना था, उसने जब श्री कृष्ण की मूर्ति में प्राण की बात सुनी तो एक युक्ति लगाई। वे दोबारा अपने देश लौटा और वहां से एक घड़ी लेकर आया। घड़ी की खासियत ये थी कि वो सिर्फ व्यक्ति के पल्स से चलती थी। अगर कोई इंसान जिंदा है तो ही वह घड़ी चलेगी और सही समय भी बताएगी। अंग्रेज ने उस घड़ी को श्री कृष्ण की कलाई पर बांध दिया और इसके बाद वो घड़ी सही समय दिखाते हुए चल पड़ी। ये देख न सिर्फ अंग्रेज बल्कि वहां मौजूद सभी भक्तगण हैरान हो गए। तभी से ये घड़ी श्री कृष्ण के हाथों में बंधी है और आज भी वो घड़ी सही वक्त बता रही है। दोस्तों, अगर आप सब भी श्री कृष्ण की जीवित मूर्ति के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि ये कृष्ण जी की जीवित मूर्ति जो है वो जयपुर के गोपीनाथ मंदिर में जो है मिलेगी। अगर आप सब जाना चाहते हैं तो आप जाएं, बहुत ज़्यादा आस्था लोगों की वहाँ जुड़ी हुई है। और आप सबको हमारे द्वारा दी गई ये पौराणिक कथा कैसी लगी, इसे भी आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।